अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, की हाल है ताडा? अलहमदुलिल्लाह असीं ठीक ठाक हाँ। उम्मीद करदे हां तुसीं भी ठीक होवोंगे। अज दी रूटीन तुहाडे नाल शेयर करदे हां। अज जुमत मुबारक आ ते मौलवी बोल रहे ने, ते इसलिए मैं अज दी रूटीन तुहाडे नाल शेयर कर। सुबह दे नाश्ते नूं उत्थे तों फारग हो के दुपहर वास्ते आलू ते मटर ते शलजम, अज तीन चीज़ां असीं मिक्स पकानियां सीगियां। मैं क्या अपने व्यूअर ने शेयर करदे हां भी अज असीं सारा डेली दी रूटीन की है साड़ी। सुबह दा नाश्ता तुहानूं पता है, सुबह सुबह बच्चे ने स्कूल जाना हुंदा है ते फिर उस टाइम व्लॉगिंग नहीं हुंदी हैगी, ते इस वास्ते फिर असीं बाद चो स्टार्ट करदे हां। ते सुबह दा नाश्ता वगैरह बच्चों नूं बनाईदा, उस तों पहलां नमाज कुरान पाक वगैरह पढ़ीदा, फिर नाश्ते तों फर्क हो के फिर दुपहर दा पहलां सफाई वगैरह कर लईदी आ, ते फिर नाल ही दुपहर दी खाने वगैरह दा असीं करन लग पईदा आ। ते हुण असीं दुपहर वास्ते मटर शलजम ते आलू सब्जी बनानी है। शलजम पहले उबालने ने ते उस तो बाद फिर असीं बाकी चीज़ां बनानियां ने। मैं कहा चलो एक साइड से शलजम उबल जाण ते दूसरी साइड से मसाला रख दें, पानी काफ़ी सारा पाना है ताकि शलजम कौड़े कौड़े ना होण, ज़्यादा विच कड़त्तन जी हुंदी है ना शलजमां दे। ये पीले वाले सीगे ते जिहड़े दूसरे हुंदे पीले वाले ज़्यादा सही हुंदे ने, जामनी जामनी सीगे ते जिहड़े जामनी छिलणा वाले हुंदे ने, पीले वाले मिठे होंगे ने। वैसे वो साढ़े हजे आए नहीं सके, भाई नहीं लैके आए सब्जी वाला, तो यही सके तो ये थोड़ी जी कड़त्तन होंगी है इसलिए थोड़े जो उबालने से पहले असी तो पहले उबालते हैं तो नाल ही अपने व्यूअर ने शेयर करते हैं। मैं क्या असी आई दी रूटीन अपनी, तो वैसे मैं सिलाई कर रही थी अपने बेटे के कपड़े भी, तो वह भी तुहाडे नाल शेयर करूँगी। तो पहले मैं उन्होंने गले से कढ़ाई करवानी थी, फिर क्या नहीं सादे सिलाने ने। हाँ जी, इसलिए सादा ही करना, पहले कढ़ाई मशीन नाल करवानी सी, फिर वो कहना नहीं मैं सादा ही सिलाना है। तो वैसे तो हल्की फुल्की एम्ब्रायडरी जी भी हो जाती तो सोहनी लगनी सी, तो लेकिन नहीं हूँ वो कहना मैं ना फैंसी नहीं पाना है तो ना मगजी लवानी है, वैसे ही सादा ही सिलाई करा तो हूँ फैंसी जो बटन लवा दूँगी जोड़े नगर जाले लगते हैं, तो इसलिए हूँ सालन वगैरह पहले मैं पका लवा तो फिर बाकी सिलाई करूँगी। घर का काम वगैरह भी करना होंगे इसलिए थोड़ा जहा फिर लेट हो जाने, छोड़ दें, एक दो दिन लग जाते हैं मैंने कपड़े सिलाई करते हैं। मैं क्या अपने व्यूअर ने शेयर करते हैं भी सारा दिन फिर बिजी रहीदा, फिर की करीदा असी बाकी काम, तो इसलिए हम सालन वगैरह पका के सारे खिला खाना वगैरह खिला के फिर बाकी बैठ के पूरा करूँगी मैं वो, तो फिर अपने व्यूअर को दिखाऊँगी और सीता वे। पहले मैं घ्यो टमाटर पाते ताकि ना जल्दी हल हो जाते, नाले ना सालन का कलर सोहना आ जाता है। तो हूँ शलजम से वाइट वाइट रहना सीगा, तो मिर्चा भी साड़ियाँ सही ने भी थोड़े जे पाने ना ही हम जायका सही हो जाता, मिर्चा पूरी हो जाए ने, तो इसलिए मैं पहले घी दे विच पाया भी चंगी तरह खुर जाएंगे ना तो कलर सोहना हो जाता रैड रैड, तो घी दे विच खुर जाण तो प्यारे हो जाते हैं मसाला, फिर सही बन जाता है नाले जल्दी तैयार हो जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी पा दते ये विच घ्यो दे। तो हूँ जिस तरह खुद रैड हो जाएंगे ना तो फिर नाल ही प्याज वगैरह पा के मसाला तैयार कर लाँगे, फिर नाल ही मटर वगैरह मैं पानी च पा के रखे सके। हूँ प्याज वगैरह पाने जल्दी हल हो जाने हैं, तो इस तरह घर के फिर रूटीन के मुताबिक बंदा बिजी रहता है, तो असी घर का काम कुम करते सारे दिन इस तरह ही का लंघ जाता है, तो क्योंकि बाकी तो बंदा वीडियो ही दिखा नहीं सकता बाकी की करना होंगे है छोटे छोटे काम, फिर हर टाइम बंदा की कैमरा लैके व्लॉग बना फिरे। फिर मैं अपने व्यूअर नाल इन्ना जिते कि मैं रख के कैमरा ताड़े नाल गलबात कर सकां, फिर उन्नी की मैं वीडियो बनानी हाँ। तो तुसी मेरी वीडियो पसंद करो, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, मेरे चैनल सबसक्राइब करो, तो ना भी दिल करे मैं बार बार तुहानू कहनी मेरी वीडियो देखिया करो ताकि मेरा टाइम वाच पूरा हो जाए, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो बड़ी मेहरबानी ताड़ी सारयां दी होई। हुण गर्म मसाला अदरक वगैरह पीस लो, हम गर्म मसाला वगैरह तो बाद चो कुटूंगी, अदरक उदरक कुट के ना तो फिर मैं कर दी हाँ। इसलिए उपर रखिया वे अदरक वो कर दी बार बार ना भी गो बंदे बैठ के उठना, बैठ के उठना बड़ा मुश्किल लगता है, तो इस तरह सैड से मैं फिर रख के सलफ उत्ते ही कुट लैनी हूँ आस्ता आस्ता, के सलफ भी काफ़ी देर दी है, इन्हें यही ना टुट जाए मैं ये भी खतरा हों, एक दो तेड़ा आईया हुई ने, फिर महाल जल्दी जल्दी करके तो नाल ही पानी पाया। मैं मटर भुनी दी असी ताकि भुनिया ना फिर चीड़े हो जाते हैं तो जायका नहीं आता बहर, तो ना अपने सहज सहज हो जाते घ्यो भुनना। हूँ बेच आलू पावे थोड़ी देर बाद, तो मैं शलजमा का पानी अच्छी तरह निचोड़न लगी हाँ ताकि इन पानी बिल्कुल ना रहे, क्योंकि कसैले कसैले किसी ने खाने नहीं है, तो इन्हों का जायका मिठा मिठा फिर सही पसंद करते हैं, सालन कौड़ा कौड़ा नहीं चंगा लगना है, फिर इसलिए मैं कुट कुट के बच्चे पानी भी कड़ता इन सारा।
ਅੱਜ ਜੁੰਮਾ ਆ, ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਟਰ ਸ਼ਲਜਮ ਉਬਾਲ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਹਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਲਨ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਵਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੀਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਨ 'ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾ ਕਲਰ ਨਾ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਮਾਟਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੈੱਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਲਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਲਸ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਲਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰਸ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।